नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जोरावर सिंह चौहान। आज आपके सामने उपस्थित हूं एग्रीमेंट लेकर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एग्रीमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसके आधार पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हो सकता है। एग्रीमेंट के आवश्यक तत्व और घटक, आप जिस स्थावर संपत्ति या चल संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति का खरीद या बेचान करते हैं तो दो पक्षों के बीच में एक संविदा तैयार की जाती है। कितने में बेचान करना है, कितने अभी रोकड़ शाही पेटे प्राप्त करना है और कितना पैसा ड्यू है, बकाया है और वो कब देना है, इसमें दो पक्षकार होते हैं, प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार। प्रथम पक्षकार एक से अधिक हो सकते हैं और द्वितीय पक्षकार भी एक से अधिक हो सकते हैं। प्रथम पक्षकार बेचने वाले होते हैं, द्वितीय पक्षकार खरीदार होते हैं। प्रथम पक्षकार एक से अधिक हैं तो उनका उस प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा बनता है, उनका क्या शेयर आता है, उसके अनुपात में वो बेचान मूल्य को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इसी अनुपात में खरीदार भी अगर एक से अधिक होते हैं तो खरीदार भी अपने अपने शेयर के हिसाब से उस संपत्ति का मूल्य अदा करने के लिए, उसके खर्चे वहन करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे। ये तो दोनों पक्षकार हुए। पक्षकार के पश्चात में ऐसी कोई भी संपत्ति होती है, स्थावर संपत्ति भी हो सकती है और चल संपत्ति भी हो सकती है। स्थावर संपत्ति में जो जमीन से जुड़ी हुई संपत्तियां हैं उसे स्थावर संपत्ति कहा जाता है। भवन, मकान, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज, फसलें, इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी है वो स्थावर संपत्ति में आती है। जो एक जगह से दूसरी जगह पर संपत्ति चल के नहीं जा सकती वो स्थावर संपत्ति में आती है। चल संपत्ति, आपकी चल संपत्ति में वो आती है जैसे फोर व्हील, टू व्हीलर, गाड़ी, मोटर यान, पशु इत्यादि इत्यादि, ये आपकी चल संपत्ति कहलाती है। चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों ही संपत्तियों का बेचान और खरीद किया जाता है और दोनों ही संपत्तियों के खरीद बेचान का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। अचल संपत्तियों में कुछ संपत्तियां ऐसी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है और वो स्वैच्छिक है, उसका एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसमें संपत्ति का हस्तांतरण जरिए इकरार होता है जिसको संविदा कहा जाता है। और इसके ऊपर पूरा एक अलग से कानून बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम। उस संविदा अधिनियम की पालना आप सिविल कोर्ट से करवा सकते हैं। अगर कोई विवाद होता है उसका निपटारा सिविल कोर्ट में आप अपना वादा दावा दायर करके कर सकते हैं। ये है आपके एग्रीमेंट का। दूसरा, ज्यादातर एग्रीमेंट का उपयोग वो है स्थावर संपत्ति में। स्थावर संपत्ति में किसी संपत्ति का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बेचान करता है तो उन दोनों के बीच में यह तय होता है कि उक्त संपत्ति की मूल्य वैल्यू क्या है, उस वैल्यू में से आपने कितने पैसे अब दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक मकान खरीद रहे हैं और उस मकान की वैल्यू 25 लाख है और आपने अभी 2 लाख रुपए शाही पेटे दिए तो 23 लाख रुपए बकाया रहे। वो 23 लाख में से 5 लाख रुपए आपको 15 दिन में देने हैं, 3 लाख रुपए आपको 20 दिन में देना है और 2 लाख रुपए आपको 1 महीने में देना है और अंतिम संपूर्ण रकम है जो आपको 3 महीने में देनी है। तो ये आपके बीच का एक एग्रीमेंट हुआ। ये आपकी सुविधाओं के लिए किया गया एग्रीमेंट है। इसको आप रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं और नॉन रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। ये नोटरी, रजिस्टर्ड नोटरी से तस्दीक करवा करके भी आप इसको एक बार काम में ले सकते हैं। जब इस एग्रीमेंट की शर्तों की पालना पूर्ण की जाती है तब आपके सामने
संपत्ति को जो बेचान हुआ ट्रांजैक्शन हुआ है उसका दस्तावेज पंजीयन करवाने की स्थिति बनती है। जब एग्रीमेंट की शर्तों को पूर्ण करके आपने बेचान प्रतिफल की संपूर्ण रकम अदा कर दी है तो दोनों पक्षकार रजिस्ट्रेशन कार्यालय में उपस्थित होकर के उसका बेचान दस्तावेज पंजीयन करवाना होता है। बेचान दस्तावेज पंजीयन करवाने के बाद में आपका उस वो एग्रीमेंट, वो सेल और वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे एग्रीमेंट का महत्व, मैंने एग्रीमेंट के बारे में बता दिया, और भी आगामी वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई समस्या है आपको मेरे से बात करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 9829144741, आप इस पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और भी किसी तरह के कोई आपके मन में अगर कोई सवाल उत्पन्न होते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।